सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनएस हेरिडिटी यूनिट और हेरिडिटी मटेरियल. ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया, उसके बाद आरएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया, फिर आरएनए की टाइप्स को पढ़ा और हमने ये भी कहा कि आरएनए की 3 टाइप्स हैं और तीनों जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करती हैं या हेल्प कर रही होती हैं उसको मेंटेन रखने में. सो अब अगर हम डीएनए को कहते हैं एज अ हेरिडिटी यूनिट तो किन बेसिस के ऊपर कहते हैं कि डीएनए हेरिडिटी यूनिट है, या ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे हु वर्क फॉर इट एंड एक्सप्लेन दैट यस डीएनए इज अ हेरिडिटी यूनिट. So as we have different types of macromolecules in the cell like proteins, carbohydrates, lipids and dinucleotides are the RNA as well. But why we have only focused on the DNA, that yes, DNA is the heredity material. ठीक है, so क्या reason था कि DNA को heredity material कहा गया. So उस और हेरिडिटी मटीरियल तो होता क्या है, सबसे पहले यानी वो मटीरियल जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें करेक्टर्स को ट्रांसफर करता है उसे हम हेरिडिटी मटीरियल कहते हैं. इट मींस कि ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ इज कोडेड ऑन द डीएनए एज वी हैव डिस्कस्ड इन द जेनेटिक कोड दैट द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज गिवन ऑन द डीएनए व्हिच इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स and that protein is required for the formation of the characters and the functions of the body. ठीक है, so हम ये कह सकते हैं कि DNA के ऊपर जो genetic code है वो actually helpful होता है transmission of characters में, कि हमारी eye का color कैसा होगा उसके लिए जो protein produce होनी है that is given on the DNA. बट हाउ एंड कैसे जो है उसको हम कह सकते हैं कि डीएनए ही हेरिडिटी मटीरियल है. सो बेटा डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था और उसमें कुछ साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा आगे कह सकते हो कि अप्रिशिएबल है, कि पहले ग्रिफ थे, देन एवरी मैक्लियोड एंड एम्बार्टी थे और लास्ट जो है वो हार्शी एंड चेस थे जिन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और ये प्रूव किया कि यस डीएनए इज द हेरिडिटी मटीरियल, क्योंकि बाकी आरएनए प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर नॉट हेल्पिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, सो ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर इज डन फ्रॉम द डीएनए एंड इट वाज प्रूव्ड बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट एंड दे वर्क फॉर इट एंड दी साइंटिस्ट वर द फर्स्ट वाज ग्रिफ. सो बेटा ग्रिफ ने 1928 में ये चीज प्रपोज की थी कि डीएनए वाज है, डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल. ठीक है, सो कैसे प्रपोज किया था, उनके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपको पता है कि वन टाइप इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अनदर टाइप. ठीक है, यानी एक चीज किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है. सो वन टाइप इज transforming into other type. So what was that type and which was it is transforming? ठीक है, so क्या चीज थी वो, उसके लिए उन्होंने जो अपना experimental specimen लिया था that was bacteria. और कौन से bacteria थे, so these was Streptococcus pneumoniae. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए एक वो बैक्टीरिया है जो कि डिजीज काज करते हैं जिसको निमोनिया कहते हैं. ठीक है बेटा, सो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए दीज आर द बैक्टीरिया एंड दे कॉजेस द निमोनिया. ठीक है, निमोनिया आपको पता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें अगर पल्स या फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाए तो उसको निमोनिया कहा जाता है और ये बैक्टीरिया से काज होता है. एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए, इसकी स्ट्रेन्स होती है, स्ट्रेन्स का मतलब कि इसकी टाइप्स होती हैं. आप बैक्टीरिया के लिए मेल फीमेल का वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसके लिए स्ट्रेन या टाइप का वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है, अब निमोनाए के टू स्ट्रेन्स हैं, एक स्ट्रेन को कहते हैं एस टाइप और एक को कहते हैं आर टाइप. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो आर टाइप होती है वो नॉन विरुलेंट. नॉन विरुलेंट का मतलब कि अदर इज कॉजिंग निमोनिया बट नॉट विरुलेंट, यानी वो डेथ कॉजिंग नहीं होती है. ठीक है, और जो एस टाइप है दिस इज विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब होता है हार्मफुल. ठीक है, अब एस का मतलब है स्मूथ और आर का मतलब होता है रफ. ठीक है, ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि ये कैप्सुलेटेड होते हैं, इनके ये कैप्सूल होता है बैक्टीरिया के लिए जो इसको स्मूथ अपीयरेंस देता है एंड दीज आर नॉन कैप्सुलेटेड.
ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास टू टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल स्पेसिमेन थे जिनको ग्रिफ्ट ने यूज किया ये डिटरमिन करने के लिए कि वेदर डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल और एनी अदर पार्ट ऑफ द सेल इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर हेरिडिटी। ठीक है, सो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें उन्होंने क्या किया कि एक माइस लिया। अच्छा, एक तो आपके पास ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए हो गए और सेकेंड जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म था जिसके ऊपर ये नमूनिया का बैक्टीरिया ट्रांसफर किया वो माइस था। ठीक है, यूजुअली आपने देखा होगा कि माइस का जो जीनोम होता है वो ह्यूमन से मैचेबल होता है, इसीलिए ज्यादातर वैक्सीन्स या जो भी मेडिसिन बनाई जाती हैं वो माइस के ऊपर यूज की जाती है कि अगर उसके ऊपर कंपेटेबल है इफेक्टिव है तो वो ह्यूमन पे भी यूटिलाइज की जा सकती है। ठीक है, सो बेटा माइस जो है इसके ऊपर इन्होंने इस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए को ट्रांसफर किया। अब देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने माइस लिया और माइस को आर टाइप ट्रांसफर किया। देखिए आर टाइप क्योंकि नॉन विरुलेंट है तो इट मींस कि वो डिजीज कास्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब वो डिजीज कास्ट नहीं करेगा तो माइस क्या होना चाहिए, अलाइव। क्यों अलाइव होना चाहिए, क्यों जिंदा रहा, क्योंकि उसने विरुलेंट नहीं था तो उतनी ज्यादा सीवियर डिजीज कास्ट नहीं की थी। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि माइस लिया और माइस के ऊपर एस टाइप को ट्रांसफर किया या उसको उसमें एस टाइप के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। ठीक है, सो जब एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग था कि उस माइस की डेथ हो गई। क्यों डेथ हुई, क्योंकि वो विरुलेंट टाइप थी। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि नेक्स्ट एक माइस लिया यानी थर्ड माइस, उसके ऊपर जो है वो एस टाइप को हीट किल किया। एस नीट किल का मतलब है कि इसको उन्होंने नॉन विरुलेंट बना दिया। ठीक है, कि डीएनए को जब आप हीट देते हो तो वो डिनेचर हो जाता है, वो अपना इफेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता। सो जब ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि एस नीट किल बैक्टीरिया जब इस माइस पे लगाया तो अगेन रिजल्ट वाज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस कि डीएनए हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी ऑफ कॉजिंग डिजीज। So mice did not adopt the disease and it remained alive. ठीक है, अब जो fourth result था which was the surprising result as well and the experiment was surprising as well कि mice को s heat kill time plus r type, so इन दोनों का combination करके injection उसको लगाया। ठीक है, यानी इन दोनों का mixture बनाया। So, जब इन दोनों के मिक्सचर का उसको इंजेक्शन लगाया तो होना तो ये चाहिए था कि इसमें डिजीज कास्ट ना होती, क्योंकि ना तो आर टाइप डिजीज कास्ट कर रहा है एंड ना ही एस हीट किल टाइप डिजीज कास्ट कर रहा है। बट द रिजल्ट वाज वेरी मच सरप्राइजिंग फॉर हिम एज द डेथ हैज कास्ट। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट कॉजेस द डेथ ऑफ द माइस बाय इंजेक्टिंग द एस हीट किल्ड एंड आर टाइप बैक्टीरिया। सो द रीजन इज दैट द आर टाइप इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप। ठीक है, कि जब हम आर टाइप का डीएनए प्लस एस हीट किल्ड टाइप का डीएनए दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो मिक्स करने के रिजल्ट में जो आर टाइप का डीएनए था उसके साथ जब ये आपके कंबाइन हो गया एस हीट किल का तो अब वो एस टाइप का डीएनए आपके कंबाइन हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो एस टाइप के जीन्स थे वो विरुलेंट जीन्स थे एंड विरुलेंट जीन्स आर ऑलवेज डोमिनेंट जीन्स। नाउ दिस आर टाइप इज कन्वर्टेड इनटू एस टाइप। ठीक है, so the transformation of one type into the other type, it means that R type is transformed into S type by the combination of S heat killed with the R type. So we can say कि इन दोनों के अंदर जो है वो DNA एक दूसरे का एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हुआ और जब ट्रांसफर हुआ तो हमारे पास एक विरुलेंट टाइप क्रिएट हुई जिससे डेथ कॉज हो गई। अब यहां पे तो उन्होंने कह दिया कि डीएनए इज हेरिडिटी यूनिट यहां से, लेकिन हमें क्या पता कि बैक्टीरिया में आरएनए इन्वॉल्व था, प्रोटीन इन्वॉल्व थे, कार्बोहाइड्रेट थे, लिपिड्स थे कि जो ये डिजीज कास्ट कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि वन टाइप इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अनदर टाइप एंड दैट टाइप इज ट्रांसफॉर्मिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, बट रियली इट वाज द डीएनए आर एक्चुअली द डीएनए वाज कॉजिंग द हेरिडिटी। सो दैट वाज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड साइंटिस्ट थे एंड आफ्टर द वर्क ऑफ ग्रेव जो के एवरी मैकलियोर
एंड एम कार्टी मैक्लियोड एंड एम कार्टी, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसी के एक्सपेरिमेंटल टूल्स को यूज किया और एक्सपेरिमेंट को फर्दर परफॉर्म किया कि विच टाइप ऑफ द मटेरियल इन दिस मिक्सचर इज एक्चुअली कॉजिंग द डिजीज आर एक्चुअली द हेरिडिटी मटेरियल, किसके ऊपर ये कैरेक्टर प्रेजेंट है कि वो डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। सो बेटा इन्होंने क्या किया कि एस हीट किल्ड प्लस आर टाइप, यानी हमारे पास जो मिक्सचर था, ठीक है, इस मिक्सचर को लिया और इस मिक्सचर को कल्चर करके, कल्चर का मतलब होता है उसको उसकी कॉपीज बनाई है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब थ्री ट्यूब्स में इसी कल्चर को लेते हैं, इसको हर एक में एस बीच के टाइप भी प्रेजेंट है और आर टाइप भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। So we can say that this is S heat killed and R type culture R mixture, which is divided into three different tubes, ठीक है। अब जो first tube है, उसमें उन्होंने डाला DNAs, DNAs enzyme है, ठीक है। और ये DNAs क्या करता है? Digest DNA, ठीक। दूसरे में उन्होंने डाला RNAs, RNA क्या करता है? डाइजेस्ट RNA, यानी ये इसमें जितना भी RNA होगा उसको डिग्रेड कर देगा, ठीक है। तीसरे में उन्होंने डाला प्रोटीएज, प्रोटीएज क्या करता है बेटा? ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, इट मींस के हमने जब इसके अंदर ये चीजें ऐड की तो इस वाले बैक्टीरिया में जो है वो प्रोटीन खत्म हो गया बट RNA DNA प्रेजेंट था, इसमें आरएनए खत्म हो गया लेकिन डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, इसमें डीएनए खत्म हो गया लेकिन आरएनए और प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इस वाले को माइस को लगाया, ये भी माइस को इंजेक्ट किया, ठीक है। माइस को इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि इसके रिजल्ट में जो माइस है वो अलाइव रहा, यानी उसका रिजल्ट क्या आया कि माइस जिंदा था, ठीक है। अब माइस जिंदा है तो क्यों जिंदा है, ठीक है, क्या रीजन है कि प्रोटीन एंड आरएनए आर प्रेजेंट लेकिन डीएनए खत्म हो गया, डीएनए डिग्रेड हो गया था, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया था डीएनए ने, डीएनए से, ठीक है। तो इट मींस के प्रोटीन एंड आरएनए आर नॉट कॉजिंग डिजीज, ठीक है। क्यों अगर ये डिजीज कॉज करते तो ये बैक्टीरिया सॉरी माइस अलाइव ना रहता, इसकी डेथ हो जानी चाहिए थी, ठीक है। जबकि ये अलाइव रहा तो क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए डिग्रेड हो चुका था, तो जब डीएनए डिग्रेड हो गया तो टाइप एक से दूसरी टाइप में कन्वर्ट नहीं हुई और डिजीज कॉज नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, सेकेंड में उन्होंने क्या किया कि ये भी इसी तरह माइस को इंजेक्ट किया, जब माइस को इंजेक्ट किया तो उन्होंने रिजल्ट देखा कि माइस की डेथ हो रही है, क्यों डेथ हो रही है, रीजन क्या है कि इसमें प्रोटीन प्लस डीएनए प्रेजेंट था और आरएनए जो है वो डिग्रेडेड था। सो इससे आपको क्या मतलब समझ आया कि आरएनए इज नॉट अ हेरिडिटी मटेरियल, कि आरएनए तो डिग्रेड भी हो गया है फिर भी उसकी डेथ कॉज हुई है, इट मींस कि आरएनए इज नॉट अ कॉज ऑफ डिजीज एंड इट इज नॉट अ हेरिडिटी मटेरियल एज वेल। सो थर्ड जो था उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन्स वाले को डाइजेस्ट करवा दिया और माइस को ये लगाया, जब तो रिजल्ट में बेटा उनको क्या मिला कि जो हमारे पास माइस था उसकी डेथ हो गई। अब इसकी डेथ क्यों हुई है? क्योंकि प्रोटीएज जो है वो किल हुआ है, यहाँ पे प्रोटीएज प्रोटीन को किल कर रहा है, सो इट मींस प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड बट डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट। सो अब अगर आप यहां से देखें तो जब डीएनए यहां पे प्रेजेंट है तो डेथ कॉज हो रही है, डीएनए यहां पे भी प्रेजेंट है तो डेथ कॉज हो रही है, बट डीएनए यहां पे डिग्रेड हो चुका है, नो डेथ इज कॉजिंग हियर, ठीक है। सो वी कैन से दैट द डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल, ठीक। अब थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था वो थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हर्शी एंड चेज ने, ठीक है। और हर्शी एंड चेज क्या कहते हैं, हर्शी एंड
आप ये जाके फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे भी वायरस का साइकिल, लेकिन वो ये कहते हैं कि वायरस जो होता है स्पेशली बैक्टीरियोफेज, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दिस इज अ बैक्टीरियल सेल और ये इसके ऊपर एक वायरस आके अटैक कर रहा है, ठीक, और ये है वायरस यानी बैक्टीरियोफेज का डीएनए। सो दिस इज अ बैक्टीरियोफेज यानी वायरस एंड दिस इज बैक्टीरिया। इट मींस दैट बैक्टीरिया नीड्स अ होस्ट, बैक्टीरियोफेज नीड्स अ होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ पैरासाइट, ठीक। अब इधर जब ये इसके ऊपर आके अटैक करेगा तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है कि अपने डीएनए को इसमें इंटीग्रेट कर देता है। किसमें इंटीग्रेट करता है? बैक्टीरिया में, ठीक है। सो दिस इज बैक्टीरिया और इसने क्या किया, अपना डीएनए जो है वो इसमें इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए, मतलब एंटर कर दिया, ठीक है। और जो इसका प्रोटीन कोड था यानी जो इसका ऊपर बाकी सारा चीजें थी वो बाहर रह गई, ठीक है। इट मींस के बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में सिर्फ अपना डीएनए इंसर्ट करता है, उसका बाकी स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल से बाहर रहता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था इसने बैक्टीरिया का चार्ज ले लिया और अपने डीएनए को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फेज taken charge of bacteria and started copying its DNA, ठीक। अब जब अपनी कॉपीज बनाएगा यानी अपने डीएनए को कॉपी कर रहा है और फेज कर रहा है, अच्छा, बैक्टीरिया के इंजाइम्स को यूज करके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि डीएनए से क्योंकि प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा कि प्रोटीन हमेशा डीएनए से बनते हैं, जैसे अभी हमने जेनेटिक कोड में भी पढ़ा था। सो अब नेक्स्ट में क्या होगा कि ये जो डीएनए है इसके मुताबिक इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन बनते हैं, यूं, ठीक है, और ये इसका डीएनए हो गया। नेक्स्ट में क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं यानी असेंबल्ड हो जाते हैं इस तरह से बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक। अब ये आपके पास क्या बन गए, सेल तो बैक्टीरिया का है लेकिन बैक्टीरिया में क्या चीज बन रही है, वायरस यानी बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और आखिर में जब 200 तक फेजेस जमा हो जाते हैं तो वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और होस्ट की लाइसिस होती है जिसकी वजह से फेज जो है वो रिलीज हो जाती है, ठीक। अब देखिए बेटा क्वेश्चन ये है कि यहां से हमें कैसे पता चला कि डीएनए हेरिडिटी मटीरियल था। सो देखिए बैक्टीरियोफेज इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हेड होता है, यूं, टेल होती है, टेल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर खाली डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक। अच्छा अब देखिए कि इसमें एक ये ब्लैक से जो रिप्रेजेंटेड है ये प्रोटीन्स हैं और ब्लू वाला डीएनए है, मींस के हम यहां पर सिर्फ ये देख सकते हैं कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है या प्रोटीन्स हेरिडिटी मटेरियल है। सो आप देखो कि इसने सिर्फ सेल के अंदर अपने डीएनए को ट्रांसफर किया था और नेक्स्ट जो वायरस बने हैं वो डीएनए की वजह से बने हैं, जबकि इसका प्रोटीन तो अंदर इंटर ही नहीं होता बैक्टीरिया में, वो बाहर ही रह जाता है। सो अगर प्रोटीन इंटर नहीं हो रहा तो इट मींस कि न्यू वायरसेस आर नॉट फॉर्मिंग फ्रॉम द प्रोटीन्स बट द डीएनए हैज इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल्स आर द बैक्टीरियल सेल एंड द कॉपिंग ऑफ द डीएनए अकर्ड फ्रॉम द डीएनए प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबलेज ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन मेक्स द बैक्टीरियोफेज आर द वायरस अगेन। So we can say that DNA is a heredity material. So between तीन experiments से हमें ये चीज़ confirm हो गई कि DNA जो है वो heredity material है और DNA के ऊपर हमारे पास हर तरह की information coded होती है, हमारा height कितनी होनी है, eye का color कितना क्या होना है, skin type कौन सी होनी है, so all the information has given on the DNA, ठीक है। So DNA is a heredity material and it was proved by the experiment of Graves, Everett, Mott and Hershey and Chase. So that was the DNA as heredity material.